मुझे 439 दे रहे, तो इसके पास चलते हैं, पास भी है और मैं एक बार में दो लोगों को भी पिक कर सकता हूँ क्या? ये एक बार ये ट्राई करते हैं, क्या पता। बट यार उस केस में अगर ऐसा हुआ ना कि एक को कहीं और जाना है दूसरे को कहीं और, तो कोई एक बंदा जो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और बाद में वो मुझे बहुत कम पैसे देगा। बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी फटाफट से गाड़ी को लेकर चलते हैं। यहाँ पे कोई रेड लाइट नहीं है तो मैं क्रॉस कर सकता हूँ फुल स्पीड में। यार वैसे इन फ्यूचर जब हम थोड़ा बहुत पैसा कमाकर बढ़िया गाड़ी ले लेंगे ना तो और मजा आएगा भाई गाड़ी चलाने में। अभी तो ये देख रहे हो कैसे टूटी फूटी हो रखी है गाड़ी पीछे से। पक्का यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी शॉप तो होती होगी जो गाड़ियां रिपेयर भी करती होगी। टाइम मिलेगा तो एक बार वहां का भी चक्कर लगा लेंगे। फिलहाल अभी टाइम की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है पैसों की। पैसे भी नहीं है ना ज्यादा की गाड़ी रिपेयर करा ले। अरे यार हटाओ यार, ये लोग अपनी गाड़ी ना यहाँ पर लेकर खड़े हुए हैं। मुझे यहाँ से लेफ्ट साइड, ओके चलो ग्रीन लाइट हो गई, से मुझे बस अपनी गाड़ी को लेफ्ट यूटर्न मारना है और मैं आ जाऊंगा अपने इस पे फर्स्ट पैसेंजर पे। मैंने लास्ट वाले को भी तो यहीं से कहीं से पिक करा था। कोई फेमस जगह है क्या? ओके ठीक है, तो यही है वो लेडी जो कि हमारे साथ गाड़ी में बैठकर जाने वाली है। 339 समथिंग ये डॉलर दे रही थी, यूरो, डॉलर नहीं यूरो। तो ठीक है, इसकी डेस्टिनेशन तो मुझे नहीं पता बट ओए भाई ध्यान से चलानी होगी गाड़ी, कोई बंदा बंदा ठोक दिया ना तो आज ही अपनी जॉब छिन जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ। तो एक बंदे को हमने यहाँ से पिक करा है, दूसरा जो बंदा है वो सामने की तरफ में है। नहीं मुझे इसको यहाँ से 2000 मीटर दूर छोड़कर आना है, जो कि ज्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर है। ऐसे 2000 बोलने में ज्यादा लग रहा है। और ये क्या भाई, सॉरी ये मेरे से बात करना चालू कर रही है, इसका रिप्लाई करते हैं। मतलब क्या गाइस, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं अच्छे से इससे कैसे। हम लोग उससे थोड़ा रूड होके बात कर रहे हैं, मैंने उसे उल्टा रिप्लाई कर दिया। हमने खाली पीली बहस कर ली अपने पैसेंजर से और अभी हमने अपना ही नुकसान करवा लिया। पता नहीं मैंने क्या उल्टे सीधे दो रिप्लाई दे दिया भाई, बहसबाजी हो चुकी है। बट ठीक है, गाड़ी चलाने से मतलब रखते हैं, इस बार टिप नहीं मिली कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे इस चीज का। भाई मैंने क्यों उस तरीके से गाड़ी ठोकी यार, आगे से भी देखना गाड़ी की चटनी बन चुकी है यार। मैं सचमुच में बहुत ज्यादा खराब तरीके से गाड़ी चला रहा हूँ। कहीं पर फेल टू कम्प्लीट आज द क्लाइंट्स पेशेंस हैज रन आउट, ड्राइव केयरफुली नेक्स्ट टाइम। हमने बहुत लेट कर दिया और वो हमें छोड़कर जा चुके। एक मिनट रुक जाओ, सामने कोई तो पैसेंजर है, मैं रुक जाओ मैप में दोबारा से चेक करता हूँ। मुझे यार अभी ना एक सही तरीके से राइड करनी है। ये बंदा मुझे 532 दे रहा है भाई, इसके पास चलते हैं। मुझे इस बंदे को एकदम सही तरीके से पहुंचाना है। थोड़ा सा घूम कर आना पड़ेगा क्योंकि ये जो हाईवे है ना यहाँ पर यूटर्न बहुत ज्यादा आ गया है। रॉन्ग वे में जा नहीं सकता क्योंकि मुझे ना इस शहर में अगर गाड़ी चलानी है तो मुझे अच्छे से गाड़ी चलाने की आदत डालनी होगी। और वेट ये देखो भाई, पुलिस 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 पुलिस। मैं ये कह रहा था अपना स्पीडिंग टिकट कट चुका है, 25 यूरो का चालान हो गया भाई। कैमरा लगा हुआ था वहाँ पे स्पीड वाला। एक मिनट रुको यार, बहुत छोटी मोटी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा भाई इस गेम में अगर रहना है तो, सरवाइव करना है तो। चलो 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 चलो, ग्रीन लाइट हो गई है, यहाँ से मुझे गोल चक्कर मारना है। अरे चला लो यार, ये लोग ना कभी कभी अचानक से धीरे कर लेते हैं यार। ये देख क्या कर रहा है यार, ये मेरी गलती नहीं है भाई। क्या यार पूरी गाड़ी कैसी तैसी हो चुकी है, भाड़ में गई रेड लाइट। अब मैं जा रहा हूँ सीधा उस बंदे के पास, उसे उठाते हैं अच्छे से ड्रॉप कर आते हैं। 500 यूरो जो मिलेंगे ना उन 500 यूरो से, पीछे एक और स्पीड कैमरा था, मैंने जितना कमाया था सारा उड़ रहा है मेरा। तुम मानोगे 100 यूरो मैंने कमाए थे, मेरे पास सिर्फ 17 बचे हैं। चलो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर मैंने ये राइड सही तरीके से कर दी ना तो मुझे टोटल 500 समथिंग यूरो मिलने वाले, 500 से भी ज्यादा है। तो यहाँ से बाइक को लेते हैं राइट, रेड लाइट पे रोक लेते हैं थोड़ा आराम से। भाई देखो रेड लाइट पे एकदम रुकना अच्छी बात होती है। अरे गाड़ी अपने आप को हैंड ब्रेक नहीं लगाई क्या मैंने? चलो ग्रीन लाइट हो चुकी है, मैं एकदम आराम से जाता हूँ। यहाँ से राइट लेना है मुझे कि आगे वाले को, यहीं से लेना है? अरे रुक 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 रुक, ये इधर की तरफ है। चलो आओ सर, इसको शायद से मुझे कहीं बहुत दूर लेकर जाना है, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे भाई इस बंदे से। हेलो, इसको रिप्लाई कैसे करूं मैं? रिप्लाई करने का आया ही नहीं, ये स्पीड ब्रेकर है भाई। भाई इस गेम में कितनी सारी डिटेलिंग है यार गाड़ियों को लेकर, कैमराज, स्पीड ब्रेकर और भी बहुत सारी चीजें है भाई। अगर मैं स्पीड ब्रेकर पे तेज निकालूंगा ना तो जो मेरा पैसेंजर है उसे अंदर कंफर्ट नहीं मिलेगा, तो मुझे एकदम तमीज में चलानी है। यहाँ पर एकदम आराम से लेते हैं राइट। भाई तुम मानोगे मुझे आना इसी रास्ते पे, बट यूटर्न इतना ज्यादा आगे से पूछो मत यार, तो मैं ऐसे रूल भी नहीं तोड़ सकता क्योंकि इस बारी मुझे पूरे के पूरे पैसे वसूलने हैं। तुम मानोगे वहीं पर जाने के लिए मैं कितना बड़ा चक्कर काट के आया हूँ। तो यहाँ से अपनी गाड़ी पूरी पूरी मोड़ते हैं। अरे वेट, थोड़ा सा रिवर्स लेना। एक मिनट पे मेरी गाड़ी में 3 लोग बैठे। अच्छा ये 3 लोगों ने टैक्सी बुक करी है, ऐसा नहीं होता कि एक बार में एक ही बंदा आकर बैठता है, अगर 3 लोग है तो 3 लोग भी चलते हैं साथ में जैसे नॉर्मली रियल लाइफ में होता है। बाय द वे यार गाड़ी के सस्पेंशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं यार, इतनी ज्यादा बुरी गाड़ी नहीं है अपनी। ओए 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 बच गया भाई, वो बंदा रोड क्रॉस कर रहा था और मैंने गाड़ी रोकी नहीं थी, उड़ जाता अभी वो। ज्यादा दूर इन्हें छोड़कर आना नहीं है, थोड़ी तमीज में चला लेता हूँ भाई, बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा मैं। अरे यार तो ये जो रेड लाइट लगती है ना गाइस मेरे को नहीं अच्छी लगती सचमुच में, बहुत ज्यादा दुख।
होता है। यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है, इंडिकेटर मार के रखते हैं। गाड़ी ठुकनी नहीं चाहिए भाई, गाड़ी ठुकती है ना तो पैसेंजर्स को गुस्सा आता है। अरे क्या हो रहा है सामने, किस बात का ट्रैफिक लगा हुआ है। एक मिनट रुको यार, मैं ना थोड़ा सा अभी रॉन्ग वे ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इस ट्रैफिक में नहीं घुसना। ओ भाई मैंने फिर से गड़बड़ कर दी, मुझे पता नहीं था ऐसा हो सकता है। एक्चुअली सीन क्या हुआ है, मैंने ना गाड़ी रॉन्ग वे ली है, मुझे बहुत आगे से घुमा के लानी थी और स्पीडिंग का भी चालान कट चुका है। सारी गड़बड़ आज मैं कर डालूंगा, बट ठीक है मेरे पैसेंजर्स उतर के नहीं गए, वो गुस्सा हो गए कि तुमने रॉन्ग वे ली। बट ठीक है मैं, मेरे को ध्यान रखना होगा भाई आगे से, सच बताऊं वे पॉइंट में जो आ रहा है मुझे गाड़ी उसके हिसाब से चलानी होगी। बाय द वे ठीक है, मैंने इसको इसके डेस्टिनेशन पर नहीं अभी नहीं छोड़ा भाई, अभी तो दूर है, 1 किलोमीटर और बचा है। यार उसने मुझे बोला कि नेक्स्ट टाइम से तो मैं पैदल ही आ जाऊंगा अगर तुम इस तरीके के ड्राइवर शहर में है तो। अरे चला ले मेरे भाई, कितनी धीरे चला रहा है देखना भाई, 2 की स्पीड में चलाया क्या, लैम्बोर्गिनी उरुस जैसी गाड़ी ले रखी है और भाई साहब जी इतनी धीरे चला रहे। चलो गाइस यहां से डेस्टिनेशन सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर दूर है, ज्यादा दूर रह नहीं गई अपनी लोकेशन। अरे अभी आराम से भिड़ जाती है भाई, कितनी ज्यादा पतली पतली गलियां है भाई शहर में, देख रहे हो तुम, मतलब कहां से निकालनी पड़ रही है मुझे गाड़ी। आओ सॉरी 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 यार, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ रहते हो भाई अंकल, किस गली में रह रहे हो तुम। ठीक है अगर अभी गाड़ी ठुकी ना तो मेरे 500 यूरो का नुकसान होगा जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए एकदम आराम से चलाते हैं। हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं भाई, ये मैप ना शॉर्टकट के चक्कर में कुछ भी दिखा रहा है भाई, पक्का कोई ना कोई अच्छा रास्ता होगा यार यहाँ पे आने का। ओए जा निकल यहाँ से, दिमाग खराब कर रहा है, गाड़ी आ रही रुकी नहीं रहे। चलो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इन लोग को लेकर, पता नहीं कितने पैसे मुझे देगा। अच्छा फीडबैक आया, 532 यूरो हमें मिल चुके हैं, टिप भी दिया उसने अलग से 53 की। शुरुआत में बंदा गुस्सा हुआ था बट ठीक है। नियरेस्ट टास्क एक मुझे दिखा रहा है 310 का, इसे भी ले लेते हैं। मुझे ना यार अपनी गाड़ी रिपेयर करवानी है यार, ये वाली जो राइड है मैंने बहुत अच्छे से कम्प्लीट करी है, तो ये जो नेक्स्ट मैं रॉन्ग वे नहीं ले जाना चाहता, रुको यार रॉन्ग वे नहीं लाते आना, देखो गाइस मुझे यहीं पर है, बट पूरी गाड़ी देखना कितने घुमा के लाना पड़ेगा, तुम बस देखते जाओ एक बारी। यहाँ तक जाना है फिर यहाँ से लेफ्ट लेना है, और एक तो इतनी पतली गलियां भाई पूछो मत। मुझे ये गेम सचमुच में स्टीयरिंग लगा के खेलनी पड़ेगी तब मैं अच्छे से खेल पाऊंगा, ये बटन से तो इतनी ज्यादा पतली गलियों में ड्राइविंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है। अब देखो मुझे आना यहाँ पर था पर कितना ज्यादा घुमा के लाना पड़ा ताकि एक छोटा सा रॉन्ग वे ना लेना पड़े, बट ठीक है रूल इज रूल, हम लोग आ चुके हैं। आ जाओ सर, 2 लोग हैं लोग, अच्छे पैसे दे रहा था तो मैंने इसे बैठा लिया गाड़ी में, तो ठीक है इन्हें ड्रॉप कर कर आते हैं, यहाँ से इन्हें शायद ज्यादा दूर नहीं जाना। वाह वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ से लेते हैं एक मस्त वाला लेफ्ट, अब खींचते हैं भाई गाड़ी फुल स्पीड में। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा इसकी डेस्टिनेशन है कहाँ पे भाई, भाई क्या पतली गलियां यार, कूड़े के डब्बे, इतनी तो गाड़ियां पार्क हो रखी है यहाँ पर, बंदा जाए तो जाएगा। चलो फाइनली मैं एक अच्छे रोड पर आ चुका हूँ, यहाँ पर भी रेड और ग्रीन हो गया, नाइस। ड्रिफ्ट नहीं, थोड़ी सी एक रेड लाइट थी गाइस मैंने तोड़ डाली है, जो की मैं रॉन्ग वे भी आ चुका हूँ, गाड़ी घुमा लेते हैं यहाँ से। यार मुझे ना थोड़ी गलियों में थोड़ा बहुत कभी कभी कंफ्यूजन हो रहा है, मैप ने वापस से वे पॉइंट कैच कर लिया है और यहाँ पर कोई रेड लाइट भी नहीं है, बंदा फालतू में रुका हुआ है। चलो ठीक है अभी तुम्हारा भाई ना धीरे धीरे इस सिटी के हिसाब से यूज टू होता जा रहा है, रस्तों को लेके मैं यूज टू हो गया हूँ, बट एक बातों के चक्कर में गाड़ी ठोक डाली। हाँ मैं यही कह रहा था कि रस्तों के लेके यूज टू हो गया हूँ बट कैमरास का ध्यान नहीं रह रहा। 2 मिनट यार गाड़ी ना साइड में पार्क करो, एक बार पहले देखो भाई आसपास कोई ढंग की राइड है, मैं कहाँ पर हूँ उस समय। ओके तो यहाँ पर हूँ मैं और मुझे आसपास राइड्स तो मिल रही है, 325 279। इन लोग के पास जाने से पहले एक बार ही मैं अपनी गाड़ी को लेकर सोच रहा हूँ गैराज जाऊँ, ये बेसिकली कार रिपेयर वाली जगह है, यहाँ पे चलते हैं। या एक काम करता हूँ, नहीं यार पहले एक आध ना राइड पकड़ लेता हूँ, क्योंकि अभी ना यहाँ से जो कार सर्विस वाली जगह वो थोड़ी बहुत दूर है, हो सकता है इसका ड्रॉप पॉइंट ही कुछ है वैसा हो जहाँ से कार सर्विस पास में हो, अगर कोई गैराज वहाँ पर पास में होगा ना तो हम लोग गाड़ी भी रिपेयर करवा लेंगे, अपना पेट्रोल बचेगा। चलो तो ये भाई सब्जी के पास हम लोग आ चुके हैं टूटी गाड़ी लेकर, 3 लोग हैं। अरे यार क्या हो गया भाई गाड़ी को, चलो बैठो, इन लोग को अच्छे से ड्रॉप करना है, ठीक ठाक पैसे दे रहे हैं, शायद से इन्हें थोड़ा पास ही जाना है, बहुत पास जाना भाई ने तो, सिर्फ 900 मीटर मतलब 1 किलोमीटर जाना है। ये भी अगर मैं सही से ड्रॉप नहीं कर पाया तो मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, तो तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं करेगा ऐसा, अच्छे से ड्रॉप करेगा। सॉरी कह रहा है कि भाई मरने का शौक है क्या तुमको, धीरे चला लो गाड़ी, मरने वरने का शौक नहीं है भाई, जेब में रखता है मौत को अपनी। अरे भाई कितनी लंबी लंबी रेड लाइट होती है भाई शहर में। क्या ठीक है यहाँ से हम लोग लेते हैं लेफ्ट एक बढ़िया वाला, फिर यहाँ से लेते हैं राइट, भाई क्या अजीबोगरीब गलियां भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है आधे ज्यादा। बंदे को सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर दूर भी जाना होता है ना तो पता नहीं कितने ज्यादा हमें टर्न लेने पड़ जाते हैं। ये लो अब मेरे पास है ड्राइवर्स लाइसेंस, सॉरी
तो गलती से इसकी स्कूटी आधे रोड में खड़ी हुई थी। तुम जिस शहर में रह रहे हो ना, यहाँ पर भाई सांप जितनी पतली गली है। तो मेरी गाड़ी भी माशाल्लाह भाई, यार मुझे ना जल्दी से जल्दी कोई ढंग की गाड़ी खरीदनी है भाई। गाड़ी की ब्रेकिंग में मेरे को पता नहीं कोई थोड़ा सा डाउट हो गया। देखना क्या हो रहा है, स्टेयरिंग मोड़ रखा है, गाड़ी मुड़ी नहीं रही। अबे भाई कहाँ जाना है, मैंने तो सोचा भी नहीं था इस गली में जाएगा तू। हाँ भाई, इस गाड़ी को ना तेज मती भगाओ, बढ़िया तेज स्पीड में अच्छे से टर्न होती है नहीं, इसलिए बेटर है भाई ऐसे ही चलाओ। ये पता है 40-50 की स्पीड में ही सही चलती है गाड़ी, जहाँ ऐसे तेज जाते है ना तो टर्न होने की वजह फिसलती है रोड पे। तो बेटर ये भाई कम स्पीड में चलाओ, चलान भी नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और लो स्पीड में ना गाड़ी अच्छे से कंट्रोल भी जाते, तो ठिकने वाली सिचुएशन। ये देख रहे हो कब से ब्रेक मारी है, अब जाके रुक रही है। अरे मेरी रेड लाइट ग्रीन कब होगी, अगले जन्म में होगी। चलो ग्रीन हो गई भाई। कैसी पतली पतली गलियां हैं यार इस शहर में। डन भाई, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे। देख रहे हो क्या ढीली गाड़ी है यार।